इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें ये सोच कर नहीं कि हम 500 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें ऐसे 10 करोड़ का फंड तैयार करना है, 50 करोड़ का फंड तैयार करना है या फिर 500 करोड़ का फंड तैयार करना है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सोच कर इन्वेस्टमेंट करें कि जब मेरा रिटायरमेंट का समय आए उस समय अगर हमें 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ जो भी हमारा फंड तैयार होता है अगर उस समय हमें मिलता है तो हमें कितना फ़ायदा हो सकता है दोस्तों, हम कितना रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। दूसरा नंबर कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटायरमेंट आप अगर पहले लेना चाहते हैं 40 साल में, 45 साल में, 50 साल में ही रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, उस समय आपका 2-3-4 करोड़ का फंड तैयार हो जाता है तो कितना अच्छा होगा, सोच सकते हैं आप कितना अच्छा होगा उस समय दोस्तों, सोचने में अच्छा लगता है। ओल्ड एज एक ऐसा एज है दोस्तों जहाँ पे ऐसे बहुत लोग ऐसे होते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो हर कोई आपको भाव देंगे, अदरवाइज सब आपसे साइड रहेंगे दोस्तों। इसलिए अगर आप पैसे बनाते हैं, करोड़ों का फंड तैयार करके रखते हैं तो अपने घर वाले क्या पड़ोसी भी आपसे पूछने आएंगे कि कैसे हैं अंकल। इसीलिए करोड़ों का फंड बनाने के लिए दोस्तों 1000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, 1 करोड़ का फंड ऐसे आराम से ऐसे तैयार हो जाता है। अगर आप जब भी जॉब स्टार्ट करते हैं उस समय से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट करें, आपके घर वाले भी ऐसे 100 रुपये देंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सिगरेट पीने के लिए नहीं देंगे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ऐसे 5000 भी दे सकते हैं बट सिगरेट पीने के लिए आपको 5 रुपया भी नहीं देंगे। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शुरू करें इन्वेस्टमेंट, स्टूडेंट लाइफ से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। अगर आप 50 साल की एज में अपने पैसे को देखते हैं दोस्तों तो वहाँ पे आपको ऐसे 5 करोड़ रुपया फंड ऐसे तैयार हो चुका होता है। अगर आप 1 लाख रुपया एक बार में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ऐसे 2000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास में शेयर मार्केट का नॉलेज ही नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने सारे पैसे ऐसे डूब जाते हैं। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड मार्केट में तो आपको ऐसे कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे 3-4-5 करोड़ का ऐसे बेनिफिट होता ही है। जब आप 50 साल 55 साल या 60 साल के होंगे उस समय कभी भी आप निकाल सकते हैं अपने पैसे को। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के बाद अगर सोचते हैं कि हम अपने पैसे को निकालें, 5 साल के बाद निकाल सकते हैं, 2 साल के बाद सोचते हैं 2 साल के बाद निकाल सकते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल कभी भी अपने पैसे को आप ऐसे वहाँ से निकाल सकते हैं। बट अगर आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो हो सकता है कि अगर आपने ऐसे 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपके पैसे ऐसे 50000 रुपया हो जाए या फिर ऐसे 80000 रुपया हो जाए, डिपेंड करता है ये शेयर मार्केट में। इसलिए मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करके AMC के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें ताकि ऐसे आपका ऐसे पैसे रोटेट होते रहे, 20-25-30 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होते रहे और आपका फंड ऐसे करोड़ों का ऐसे तैयार होते रहे। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, जब भी आपके घर में कोई ऐसे बच्चे पैदा होते हैं अगर उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करें, पढ़ाई के लिए उसके पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट करें, उसके शादी के लिए इन्वेस्टमेंट करें, जरूरत नहीं पड़े तो उस समय आप मत निकालें। बट वो पैसे आपको रहेंगे ओल्ड एज के लिए तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है वहाँ पे। अगर आप नहीं निकालते हैं तो वो पैसे 5 साल अगर और छोड़ देते हैं तो पैसे दोस्तों 5 करोड़ का जहाँ पे फंड तैयार हो रहा है, अगर आप 1 साल और छोड़ देते हैं तो 6 करोड़ हो जाएंगे। हर 1 साल पे 1 करोड़ आपका ऐसे पैसे बढ़ने वाले हैं दोस्तों वहाँ पे। तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें, अपने इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए नॉलेज लें और इन्वेस्टमेंट करें।